नमस्कार, सोशल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से गरमाई बिहार की सियासत। नगर विधायक अजीत शर्मा ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। 3 सदस्यीय टीम ने ग्लोकल अस्पताल में की छापेमारी। कहा जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण को दे रहे हैं खुलेआम चुनौती। ना मुंह पर मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए शहर के कई जगहों को किया गया सैनिटाइज। और अब खबरें विस्तार से। पटना में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू की रिहाई को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर भी आवाज उठने लगी है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने भी पप्पू की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा, पूर्व सांसद की गिरफ्तारी एक साजिश के तहत की गई है। कांग्रेस नेता व नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि इस मामले में पप्पू यादव की बजाय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। संसद मत से खरीदे गए एम्बुलेंस को छिपाकर रखने के आरोप में राजीव प्रताप रूढ़ी पर प्राथमिकी दर्ज हो। पूर्व अध्यक्ष ललन ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बहाने अस्पतालों में फैली कुव्यवस्था को सरकार छिपाना चाहती है। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है कि कोई भी नेता अगर आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ जो गलतियां हो रही है, तो आप उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते हैं। यह तो जब अंग्रेज का राज था, जब भारतवर्ष आजाद नहीं हुआ, तब भी इतना नहीं होता था। अब तो कोई नेता बोलने से भी डरेगा। मृत्यु होती रही, सबकी माँ का गोद सुना होता रहे, सब मरते रहे, कोई आवाज नहीं उठाएगा। अब नीतीश कुमार का देश में और इतिहास में लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में नाम से जाना जाएगा। पप्पू यादव जी का पुराना इतिहास क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि कोरोना काल में वो एक आम जनता का काम कर रहे थे, एक सिविलियन का काम कर रहे थे, पार्टी जात पात से उठ के काम कर रहे थे। लेकिन आज नीतीश कुमार की सरकार ने उनके नौकरशाह के द्वारा उनकी गिरफ्तारी जो की गई है वो निंदनीय है। भागलपुर ग्लोकल अस्पताल में कोरोना पीड़ित पति का इलाज कराने पहुंची महिला से पहले तो हॉस्पिटल के कंपाउंडर ज्योति कुमार ने छेड़खानी की, उसके बाद इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके बाद महिला बेहतर इलाज के लिए पति को लेकर पटना चली गई, लेकिन पति की जान नहीं बचा पाई। महिला ने मीडिया के सामने भागलपुर ग्लोकल अस्पताल की लापरवाही और छेड़खानी की बात कही, जिसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन ने सोमवार की रात अस्पताल में छापेमारी की। घटना के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रशासन की फजीहत और अस्पताल का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मंगलवार को मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय की टीम अस्पताल पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच की। सदस्यों ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यहां क्या त्रुटि मिली सर? अभी जांच शुरू हुई है, जब जांच एंड होगी तब बताया जाएगा क्या त्रुटि मिली है। अभी हम जांच शुरू ही किए हैं। परिचय सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार, ADC भागलपुर। जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सैकड़ों कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। खासकर शहरी क्षेत्रों में कोरोना से कई मोहल्ले में पूरा का पूरा परिवार संक्रमित है। इसके बावजूद लोग घर से बाहर निकलने में परहेज नहीं कर रहे हैं। आए दिन शहर के सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को पुलिस हिदायत देती नजर आती है। यह तस्वीर जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, यह नज़ारा उल्टा पुल के नीचे का नज़ारा है, जहां ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही कोरोना का डर। आफत तो यह है कि कोरोना का खौफ मन से निकालकर खरीदारी करने वालों के साथ दुकानदार भी बिना मास्क के नजर आते हैं। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ नगर निगम जरूरी एहतियात कदम उठा रहे हैं। मंगलवार को शहर के कोयला डिपो स्थित बस स्टैंड परिसर में सभी वाहनों को नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज कराया गया। इस दौरान उल्टा पुल और सब्जी मंडी के आसपास के क्षेत्रों को भी सैनिटाइज किया गया। इससे पहले भागलपुर नगर निगम के द्वारा शहर के सभी चौक चौराहों को और गली मोहल्लों को भी सैनिटाइज कराया गया था। मंगलवार की दोपहर शहर में हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली।
मंगलवार को सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था। लोग बारिश की आशंका जता भी रहे थे। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। लॉकडाउन की वजह से अधिकतर कामकाजी लोग अपने घर पर हैं, लेकिन आवश्यक सेवा को लेकर जो लोग घर से बाहर अपने कामकाज में लगे हैं, उन्हें गर्मी से ज्यादा राहत महसूस हुई। हालांकि बदलते मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही हल्की बारिश की संभावना जताई थी। मंगलवार को हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन हल्की बारिश से शहर के कई मोहल्लों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे कि कूड़ा सड़क पर आ गया और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी खंजरपुर वार्ड 24 में जलजमाव के कारण नाले का कूड़ा सड़क पर आने से लोग परेशान दिखे। लोगों का कहना है कि हल्की बारिश में ही जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो जा रही है और नाले का कूड़ा सड़क पर आ जाता है, जिससे कि घर से बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कतें होती है। वहीं हल्की बारिश में ही भागलपुर नगर निगम की पोल खुलनी शुरू हो गई है, जबकि अभी बरसात का सीजन आना बाकी है। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने और लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह कोरोना का वेश धारण कर सड़क पर निकले। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लोगों को कोरोना से बचने का तरीका और लोगों को कोरोना से जागरूक भी करते दिखे। अजय कुमार सिंह ने लोगों से सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और अपने घरों में रहने की अपील की। निकला हूँ कोरोना राक्षस के रूप में, ये राक्षस है, ये पूरे घर को तबाह कर देता है। इसी को चेतावनी के लिए सबको आगाह कर रहा हूँ कि मास्क पहने, मास्क सही ढंग से पहने जो नाक और मुंह दोनों को ढके। अभी संक्रमण ज़्यादा है, वायुमंडल में भी है, इसलिए दो मास्क का भी प्रयोग करें और दूरी दो शरीर के बीच 6 फीट का दूरी जरूरी है। आप ये मानकर चलें कि हर दूसरा व्यक्ति जो आपके अगल बगल में खड़ा है वो कोरोना से संक्रमित हो सकता है। ऐसे में आप जब तक सावधानी नहीं रखेंगे ये कोरोना का चैन नहीं टूटेगा। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सोशल टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर पेज को फॉलो जरूर करें।